और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद सॉल्व करो, फिर इसको डिस्कस करो। ये देखो, ये जनरली ये क्वेश्चन डाउट में आता है, फोटॉन्स विथ 5 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन ए कैथोड सी या फिर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अगर फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है कि प्लेट्स होते हैं, उस पर रेडिएशन पड़ेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन सीमिट होंगे और कंडक्टिविटी होगी। तो अगर ये मेरा प्लेट्स है कैथोड, ठीक है, इस पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं, इमेजिंग करो ऐसे कुछ ग्लास व्लास में बंद होता है, तो ऐसा कुछ आप पढ़े होगे, ठीक है, थ्योरेटिकल में। कभी मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा, मैं आधा अधूरा नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये यहाँ से जो है वो, हाँ ये यहाँ से अभी टर्मिनल देखते हैं कैसे पोलैरिटी किधर कनेक्ट करना है। कहता है इस पे जब हम इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटॉन्स पड़े हैं इंसिडेंट कैथोड सी, और ये प्लस टर्मिनल और ये एनोड ए मान लेता हूँ मैं, ये माइनस टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब जब ये फोटॉन्स यहाँ से अगर डालोगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं वो उस इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन लगाते हैं, एनर्जी इंसिडेंट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो वैसे ही रख दो। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क फंक्शन आ गया इस मेटल का, जिस मेटल पे फोटॉन्स पड़े थे कैथोड पे सी पे, उसका वर्क फंक्शन इतना आ गया। अब दूसरे केस में हम लोग क्या किए समझने की कोशिश करना। तो दूसरे केस में हमने वेन फोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाल दिए इंसिडेंट, देन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट नो फोटो इलेक्ट्रॉन रीच एट एनोड। मतलब यहाँ से जो सेकेंड केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक नहीं आता है, तो अगर यहाँ तक नहीं आता है, इस यहाँ एनोड तक नहीं पहुँच पाता है, मतलब टोटल करंट सर्किट में जीरो हो गई, तो उस खास वोल्टेज को कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। और जब कट ऑफ वोल्टेज पढ़ते हैं तो इस बैटरी को हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये प्लस टर्मिनल यही और इन हायर निगेटिव टर्मिनल, और ऐसे कुछ कनेक्टिविटी होती है, ये हायर, ये निगेटिव टर्मिनल है और वोल्टेज तो इसी का हाई है, बट ये वाली। तो कट ऑफ वोल्टेज क्या चीज़ होती है? तो कट ऑफ वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहा है काइनेटिक एनर्जी लेके, उसको टोटली स्टॉप कर दो। और टोटली कैसे स्टॉप करोगे? तो जो काइनेटिक एनर्जी है और उसे, जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है, और ये जो वर्क डन बाई जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतनी उल्टे डायरेक्शन में वर्क डन कर देगा वो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं। तो ये सब तो कहानी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर है, वो टोटली कट ऑफ पोटेंशियल वर्क डन के इक्वल हो जाए, वर्क डन ई और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है सेकेंड केस में, वो वर्क फंक्शन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ई, ये दो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड। मतलब दूसरे केस में हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें मेरे भाई, तो दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी नहीं, चलो निकाल लेते हैं। तो दूसरे केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, चलो कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। तो दूसरे केस में हमने वेन फोटोन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन पड़ गया, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी दूसरे केस में आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो काइनेटिक एनर्जी आ गया वो ये वाली जो चीज़ बन गई यार, काइनेटिक एनर्जी वो बन गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ख़त्म कर दिया, और भी तो पोटेंशियल डिफरेंस था। तो ये कह रहा है, पूछा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी, पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी ये पूछ रहा है यार। अब पोटेंशियल ऑफ सी रिलेटिव टू ए 3 है, तो पोटेंशियल ऑफ ए और रिलेटिव टू सी हो जाएगा -3 वोल्ट, ठीक है। और अगर ये पूछता पोटेंशियल ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो प्लस पोटेंशियल ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
प्लस 3 वोल्ट हुआ, पोटेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस 3 वोल्ट हुआ। तो ये वाली चीज़ हमें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। और वैसे भी यार एनर्जी कंजर्वेशन से इसको समझ ही सकते हो, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है डेप्थ में, तो कभी मैं थियरी पढ़ाऊँगा तो मैं इसके कई तरीके बता दूंगा, यहाँ से वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो, ये सब आ जाएगा। तो ये माइनस 3 वोल्ट आ जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन सही है, पोटेंशियल ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी।